हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है, कंप्रेसर वर्क कैसे करता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अब तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये 4 प्लेलिस्ट चली हुई है मेरी, केवल जिसको आरएसी थ्योरी पढ़नी है उसके लिए एक प्लेलिस्ट है, आरएसी थ्योरी रोहित धीमान आरसी। अगर आपको केवल आरएसी टेट के क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आरएसी क्वेश्चन बैंक रोहित धीमान आरसी करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है। अगर ग्रुप से जानकारी कोई भी चाहिए तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन है रोहित धीमान आरसी यूट्यूब चैनल पे। और एचवीएससी नॉलेज अगर आपको देखने तो एचवीएससी नॉलेज रोहित धीमान आरसी करके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर है क्या, सबसे पहले कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर क्या करता है। कंप्रेसर सबसे पहले तो गैस को कंप्रेस करता है। नंबर दो, सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट, मतलब कि रेफ्रिजरेंट जो हमारा सिस्टम के अंदर है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है। इसी कारण से इसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हार्ट का नाम भी दिया गया है। और कंप्रेसर और क्या काम करता है, चेंज लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। मतलब हमारा जो एवोपरेटर से आने वाला रेफ्रिजरेंट है लो प्रेशर लो टेम्परेचर को उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, ये हमारा कंप्रेसर का काम रहता है। उसके बाद एक बहुत सा इजी क्वेश्चन रहता है कि कंप्रेसर के टाइप्स कितने होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन मतलब काम के कार्य के अनुसार हमारे जो कंप्रेसर है वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, नंबर 2 रोटरी कंप्रेसर, नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, नंबर 4 स्क्रू कंप्रेसर, नंबर 5 स्क्रोल कंप्रेसर। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अगर आपने देखा हो तो ये इसके अंदर आपको एक ऐसी पोजिशन दिखती है, मतलब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पिस्टन मिलेंगे, क्रैंकशाफ्ट मिलेगा, आपको हेड प्लेट वाल प्लेट बॉटम मिलेगा। ये किसके अंदर आता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर आता है। और इसके अंदर ये काम कैसे करता है, देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इसके अंदर हमारा जो गैस है ये हमारी सक्शन लाइन है। अब यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस एंटर कब होगी, जब हमारा ये पिस्टन कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और ये हमारा मतलब कंप्रेसर मतलब गैस को कंप्रेस करके TDC से BDC तक लाना, मतलब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आना, वो हमारा सक्शन स्ट्रोक कहलाता है। जिस कारण से हमारा जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस भी हमारी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद कंप्रेसर इसको कंप्रेस करने के बाद दोबारा फिर पिस्टन को BDC से TDC तक लाना, ये हमारा कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसके द्वारा गैस कंप्रेस होने के बाद आगे डिस्चार्ज लाइन की सहायता से चली जाती है। मतलब ये हमारी सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है लो प्रेशर लो टेम्परेचर का, लेकिन कब, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जा रहा है। और जब हमारा पिस्टन पूरा बॉटम डेड सेंटर तक आ जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा रेफ्रिजरेंट फिल हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा कंप्रेसर है इसको बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक दोबारा कंप्रेस करके क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है डिस्चार्ज लाइन की सहायता से। ये और ये इसके नीचे आपको ऑयल दिख रहा है, और ये हमारी क्रैंक साफ, ये पिस्टन है हमारा, ठीक है, ये इस प्रकार से काम करता है। आगे देखते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के टाइप्स। लेकिन टाइप से पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक मेन बात होती है, वो होता है पिस्टन। इसके अंदर अगर कोई मेन वर्किंग करता है तो वो हमारा होता है पिस्टन। और जो हमारा पिस्टन है अगर ये बिल्कुल ऊपर तक है, मतलब TDC मतलब टॉप डेड सेंटर पे होता है, अगर ये डाउन में है तो BDC बॉटम डेड सेंटर में रहेगा। और ये TDC से BDC तक आएगा तो सक्शन स्ट्रोक, और BDC से दोबारा TDC आएगा मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक कहलाएगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के टाइप्स के इतने होते हैं। नंबर 3 टाइप होते हैं, ओपन टाइप कंप्रेसर, हर्मेटिक कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन टाइप कंप्रेसर कैसे काम करता है। ओपन टाइप कंप्रेसर हमारा, आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्लाई व्हील की सहायता से कंप्रेसर चलते हैं वो ओपन टाइप कंप्रेसर में आते हैं। इसमें एक स्टोरेज टैंक लगा होता है और एक साइड हमारा कंप्रेसर लगा होता है। जैसे यहाँ पे वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाहर से नेचुरल एयर को सक कर रहा है और उसको कंप्रेस करने के बाद स्टोरेज टैंक में डाल रहा है। लेकिन कैसे कर रहे हैं, यहाँ से सक किया, सक करने के बाद यहाँ पे फिल हो गया। लेकिन जब कंप्रेसर ने उस एयर को कंप्रेस किया तो वो क्या हुआ, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से स्टोरेज टैंक में भर जाता है। मतलब कंप्रेस ही कर रहा है यहाँ पे भी कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर जो अपना काम कर रहा है, यहाँ से बाहर की हवा अंदर सक हुई और उसको कंप्रेस करने के बाद
स्टोरेज टैंक में भर दिया गया। और नंबर दो, हमारा हर्मेटिक कंप्रेसर किस प्रकार से दिखता है, ये आपके घरों के फ्रिज के अंदर दिखेगा हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। और इसका इंटरनल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये सब इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। और कई बार बच्चों को ये नहीं याद रहता कि हर्मेटिक कैसा दिखता है और सेमी हर्मेटिक कैसे दिखता है। देखो, हर्मेटिक कंप्रेसर में हमारा जो मोटर और कंप्रेसर एक ही डोम में बंद होते हैं, लेकिन सेमी हर्मेटिक में कंप्रेसर और मोटर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक ही साफट के ऊपर वेल्ड किए होते हैं। मतलब इनका जगह अलग अलग रहेगी, लेकिन एक ही साफट के ऊपर दोनों वेल्ड किए होते हैं। तो सेमी हर्मेटिक हमारा इस तरह से दिखता है और हमारा हर्मेटिक कंप्रेसर इस तरह से दिखता है। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, लेकिन कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हर्मेटिक कंप्रेसर कैसे दिखेगा और सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कैसे दिखता है। तो ये हमारा सबसे पहले था अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, ओपन टाइप, हर्मेटिक, सेमी हर्मेटिक। और आगे हम चलेंगे रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रू एंड स्क्रोल के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों के पास नॉलेज पहुंच सके। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज शेयर जरूर करें वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कंप्रेसर, अदर कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।